हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं ग्रे प्रोजेक्टर स्क्रीन और वाइट प्रोजेक्टर स्क्रीन का कंपैरिजन कि किस पे में बेटर पिक्चर क्वालिटी मिलती है, किस पे में बेटर कलर मिलते हैं, किस पे में बेटर ब्राइटनेस मिलती है, किस पे में बेटर कॉन्ट्रास्ट इशू देखने को मिलता है। यहाँ पर मैंने दो स्क्रीन लगाई हुई हैं। ऊपर की साइड में 124 इंच की मोटराइज्ड ग्रे स्क्रीन है जिसको करीब मैं 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी बढ़िया स्क्रीन है। और नीचे की साइड में 120 इंच की वाइट स्क्रीन है जो कि काफ़ी कम प्राइस में मुझे मिली है, इसको भी करीब 3-4 दिन से मैं यूज़ कर रहा हूँ। दोनों ही स्क्रीन के डिटेल्ड अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो पहले ही मैं बना चुका हूँ, वो आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। दोनों ही वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कंपैरिजन वीडियो, देखते हैं कि कौन सी स्क्रीन इनमें से बेटर पिक्चर क्वालिटी हमें देती है। तो फ्रेंड्स, प्रोजेक्टर को कर दिया है मैंने ऑन और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी वाइट स्क्रीन पर आप ये कुछ इमेजेस देख रहे हैं। रूम में काफ़ी सारी लाइट है, साइड में 25 वॉट की लाइट जो है वो ऑन है और इतनी लाइट में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वाइट स्क्रीन पर आपको कुछ इमेजेस नज़र आ रही हैं। ग्रे स्क्रीन को भी मैंने ऑन नहीं किया है, तो चलिए ग्रे स्क्रीन को करते हैं ऑन और देखते हैं कि किस पे हमें थोड़ी सी बेटर पिक्चर क्वालिटी यहाँ पर लाइट कंडीशन में मिल रही है। तो ग्रे स्क्रीन को मैं नीचे लेकर आता हूँ। तो यहाँ पर जो है आप ये क्लियर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये है ग्रे स्क्रीन ऊपर की साइड में और यहाँ पर जो है मैं थोड़ी सी पिक्चर में क्लियरिटी ज़्यादा मिल रही है। यहाँ पर ये है वाइट स्क्रीन और यहाँ पर हमें थोड़ी सी ब्राइटनेस ज़्यादा मिल रही है, थोड़ी सी पिक्चर जो है वो वॉश आउट यहाँ पर हो रही है लाइट की वजह से। तो आप देखेंगे ये ग्रे स्क्रीन पे हमें बेटर पिक्चर क्वालिटी देखने को फिलहाल यहाँ पर मिल रही है। चलिए कुछ प्ले करते हैं, इसको ही प्ले करते हैं और फिर थोड़ी सी और ज़्यादा देखते हैं। तो यहाँ पर जो है आप क्लियर देख पाएंगे कि जो ग्रे स्क्रीन है उस पर ही हमें थोड़ी सी बेटर कलर मिल रहे हैं, थोड़ी सी बेटर क्लियरिटी मिल रही है लाइट कंडीशन में बेसिकली। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ग्रे स्क्रीन में ही हमें थोड़ी सी डिटेलिंग ज़्यादा मिल रही है, थोड़ा सा जो ब्लैक लेवल है वो भी हमें बेटर मिल रहा है लाइट कंडीशन में भी। और यहाँ पर जो है आप देखेंगे पूरा वाइट वाइट नज़र आ रहा है लेकिन यहाँ पर जो है हमें ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है, जो कलर हैं थोड़े से यहाँ पर हमें ज़्यादा बेटर देखने को मिल रहे हैं। तो लाइट कंडीशन में तो यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे कि ग्रे स्क्रीन का फ़ायदा होता ही है और डेफिनेटली ब्राइटनेस की कमी आपको ग्रे स्क्रीन में ज़रूर देखने को यहाँ पर मिलेगी। तो कलर वगैरह हैं वो हमें काफ़ी बेटर मिल रहे हैं ग्रे स्किन में। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि लाइट अभी यहाँ पर 25 वॉट की लाइट ऑन है और ग्रे स्किन पर आप ये देख सकते हैं कि पिक्चर क्वालिटी जो है यहाँ पे काफ़ी बढ़िया मिल रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर लाइट कंडीशन में ग्रे स्किन और वाइट स्किन में फ़र्क तो हमें देखने को मिलता ही है। तो लाइटिंग कंडीशन में तो यहाँ पर आपने देख ही लिया है कि जो ग्रे स्क्रीन है उस पर ही हमें बेटर पिक्चर क्वालिटी मिल रही है। चलिए अब लाइट को करते हैं ऑफ और फिर देखते हैं कि किस पे हमें बेटर पिक्चर क्वालिटी मिलती है। तो यहाँ पर जो है मैंने लाइट ऑफ कर दी है, तो कुछ प्ले करते हैं उससे थोड़ा बेटर आइडिया हो पाएगा। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये वाइट स्क्रीन है तो यहाँ पर हमें जो ब्राइटनेस है वो ज़्यादा मिल रही है, ग्रे स्क्रीन में ब्राइटनेस थोड़ी कम मिल रही है लेकिन जो ब्लैक लेवल है वो ग्रे स्क्रीन में बेटर मिल रहा है। जो कलर हैं वो थोड़े से पंची दिख रहे हैं, थोड़े से विविड कलर दिख रहे हैं हमें ग्रे स्क्रीन में, वाइट के कंपैरिजन में थोड़े से कलर बढ़िया दिख रहे हैं हमें यहाँ पर ग्रे स्क्रीन में। तो अभी जो है ग्रे स्क्रीन ऊपर जा रही है और यहाँ पे आप थोड़ा सा आइडिया लगा पाएंगे। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वाइट स्क्रीन है, वाइट स्क्रीन पर आप ये फुल इमेज देख रहे हैं, ग्रे स्क्रीन को मैंने ऊपर कर दिया है। चलिए ग्रे स्क्रीन फिर से हम नीचे लेकर आते हैं। तो जो ब्लैक लेवल है वो यहाँ पे ग्रे स्किन में थोड़ा सा बेटर हो जाता है, जो कंट्रास्ट इशू है वो थोड़ा सा ग्रे स्किन में हमें बेटर मिलने लगता है और जो कलर हैं वो ग्रे स्किन में हमें बेटर मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे लेकिन जो ब्राइटनेस है वो डेफिनेटली ग्रे स्किन में हमें थोड़ी सी कम मिल रही है वाइट स्क्रीन के कंपेरिजन में। चलिए अब एक साइड बाई साइड कंपेरिजन भी हम देख लेते हैं दोनों ही स्क्रीन का। तो अभी यहाँ पर देखेंगे तो लाइट रूम में ऑन है, तो लाइटिंग कंडीशन में आप ये साइड बाई साइड कंपैरिजन यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप क्लियर देख पाएंगे कि जो ग्रे स्क्रीन है उसमें हमें थोड़ी सी बेटर पिक्चर क्वालिटी मिल रही है लाइट ऑन कंडीशन में भी।
तो यहाँ पर लाइट ऑफ कंडीशन में भी आप देख सकते हैं कि जो ग्रे स्क्रीन है इस पर ही हमें बेटर पिक्चर क्वालिटी देखने को मिल रही है। जो कंट्रास्ट इशू है वो बेटर मिल रहा है, जो कलर हैं वो ग्रे स्क्रीन में ही हमें बेटर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर जो ब्राइटनेस है वो हमें वाइट स्क्रीन में ही बेटर देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने यहाँ पर इन दोनों स्क्रीन की परफॉर्मेंस देख ली है और उससे आपको आइडिया हो गया होगा कि कौन सी स्क्रीन बेटर है। यहाँ पर अपना ओपिनियन अगर मैं बताऊँ तो मुझे यहाँ पर ग्रे स्क्रीन ही बेटर लगती है। ग्रे स्क्रीन पे आप थोड़ी सी एम्बियंट लाइट कंडीशन में भी काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी इन्जॉय कर सकते हैं। जो कॉन्ट्रास्ट इशू है, जो कलर है, वो आपको ग्रे स्क्रीन पर ही बेटर मिलते हैं। हालांकि ग्रे स्क्रीन पर थोड़ी सी ब्राइटनेस कम हो जाती है। वाइट स्किन के भी अपने प्रोज हैं। वाइट स्किन पे आपको ब्राइटनेस ज़्यादा मिलती है और अगर कम्प्लीटली डार्क रूम है तो उस पर आपको फिर काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी वाइट स्किन पे भी मिल जाती है। ग्रे स्किन पे थोड़ी सी आसपास से अगर लाइट आ भी रही है तो उसका कोई फर्क ग्रे स्किन पर नहीं पड़ता है, काफ़ी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी उस पर आपको मिल जाती है। हालांकि यहाँ पर दोनों स्किन के प्राइस में काफ़ी डिफरेंस है। ये जो 124 इंच की मोटराइज्ड ग्रे स्किन है ये अप्रॉक्स आपको 20,000 और 25,000 के अराउंड में मिलती है। हालांकि ये चीपेस्ट ग्रे स्किन आप इसको बोल सकते हैं, सेमी ALR स्किन आप इसको बोल सकते हैं। जो ALR स्किन आती है उनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, इसकी उतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, 20-25,000 रुपीज़ में। ये एक 120 इंच की आपको 17-18,000 रुपीज़ में ये मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर जो वाइट स्क्रीन की अगर बात करें तो ये सिंपल वाइट स्क्रीन है और ये सिर्फ 1700 रुपये में मिली है। दूसरी जो मोटराइज्ड वाइट स्क्रीन आती हैं तो वो भी आपको 120 इंच की अराउंड 9,000-10,000 के अराउंड में मिल जाती हैं। तो ऑनलाइन में थोड़े से प्राइस इनके महंगे होते हैं, ऑफलाइन मार्केट में अगर आप ट्राई करेंगे थोड़े कम प्राइस में आपको मिल जाएंगी। ये जो ग्रे स्क्रीन है आपको ऑनलाइन मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी, ये ऑफलाइन मार्केट से ही आपको लेना पड़ेगी। मैंने इसे ऑफलाइन मार्केट से ही परचेस किया था। अगर किसी को ये ग्रे स्क्रीन चाहिए होगी तो आप मुझे बताना, मैं आपको ये अरेंज करवा सकता हूँ। और जो ये वाइट स्क्रीन है ये तो आप अमेजोन से परचेस कर ही सकते हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये आपके थोड़ा सा बजट पर डिपेंड करता है कि आपको वाइट स्क्रीन लेनी है या फिर ग्रे स्क्रीन लेनी है, लेकिन मेरे ओपिनियन में यहाँ पर ग्रे स्क्रीन ही बेटर है। क्योंकि हमारे जो रूम होता है, रूम में जो हमारी वॉल्स होती हैं वो थोड़ी सी वाइट होती हैं और जब प्रोजेक्टर हम ऑन करते हैं तो थोड़ी सी लाइट इधर उधर जाती है और वो वाइट वॉल पे जाके फिर से वो रिफ्लेक्ट करके स्क्रीन पर आती है, तो उससे भी थोड़ी जो पिक्चर क्वालिटी है वो ख़राब होती है अगर हम वाइट स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ग्रे स्क्रीन पर ये प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर वाइट वॉल्स हैं वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर भी अगर आती है ग्रे स्क्रीन पर तो ग्रे स्क्रीन उसको रिजेक्ट कर देती है और काफ़ी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी आपको दिखाती है। तो आई थिंक यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि कौन सी स्क्रीन बेटर है, कौन सी आपको लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपका कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है प्रोजेक्टर स्क्रीन के बारे में तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।